बन्या पाने पूरा प्रभावित होउची पुरी जिल्लार पांचटी ब्लॉक पाखा पाखे 30 रु उर्ध गा मध्य बन्या जळ भितरे पूरा बंदी होई रहिछे लोके माने भोक उपवास रा आउट पाउट होउचंती अन्य पटे गाई गोरु को कथा कहबा समान मध्य भोक उपवास रा आउट पाउट होउचंती पूरा जोगाजोग रे विच्छिन्न होई पडछि पाखा पाखे 20 रु उर्धटी गा त प्रशासनिक सहायता आज भी केउटना केउटी चुडा गुडा सीमित रहिछि आज भी प्रशासन अधिकारी कर अनेक गा रे पाद पड़ी नै एपर कि डंगा टिके जोगाई देनी प्रशासन आमे यार भितरे तो ये तो पुरी जिल्ला स्थिति तला कितु आमे यार भितर रहिछु लुना नदी बंध उपरे जे प्रत्येक जेतो पुरी जिला प्रवाहित होता प्रत्येक नदी रो बन्या जल धीरे धीरे हासो पाउची किंतु जो नदी रो बन्या जल हासो पाउची चिलिका को ताही निष्कासन होता है ए रास्ता देकि ए लुना नदी देकि ही प्रत्येक बन्या जल चिलिका को निष्कासित होता है किंतु जेहेतु प्रत्येक नदी रे बन्या जल हासो पाउची जहा फल ये लुना नदी रो बन्या जल एबे वृद्धि पाइबा लागजे आपण देखुतबे आमे जे जगह रहिचु ये होची कांडगोदा पंचायत निखिला गोविंदपुर ते आपण देखुतबे तमाम दृश्य नदी एबो बंध पूरा संपूर्ण भाव समांतर हो जाए हे तो आउ किसी समय पर ये बंध अनेक जगह नदी पा सीधा सड़क मौजा भितर को बंध पार हो पड़ी ते प्रशासनिक अधिकारी बर्तमान देखा मिलूना जहाँ को ना चिंता बढ़ी बास्तव स्थानीय लोक निजस्व उद्यम बालीबस्ता पकाऊ किए किए दल भिड़ी आल को बंध पर पकाई पा रखापी चेस्टा कर आलोचना करवा गोटे पटे बनार परिस्थिति धीरे धीरे कमुवा बेले अंपटे बना परिस्थित पुणी उभा जाए परिस्थिति पर आम आलोचना करवा केमी स्थित रही केमी स्थित देखते आज्ञा ये जो नदी बना जल परिस्थिति वर्तमान केमी केत वर्ष पूर्व एमती बना जल आसला आ ये वर्ष जो बना जल आत भयंकर आठ वर्ष आठ मस आसला ये बना बर्तमान ये ऊपर नदी जद कमुची ये लुणा नदी अधिक रु अधिक परिमाण में हाँ बढ़ी चलती जल स्रोत अधिक ऊपर को चली रही तेणु ये नदी भयंकर रूप देखा देला नदी बंध सह सब बुड़ापाई लगला आम बंध उपर रही तार तदारख नौ प्रशासन की कहीं आसी आम को मरामती केमी कर बनापा की रोकने के दल दल द्वारा आम पाखे बालीबस्ता ना आम दल द्वारा ताकू चेस्टा करूँ बंधु तो आलोचना करवा परिस्थिति केमी देखुं बर्तमान प्रशासनिक अधिकारी पाद परिस्थिति परिस्थिति भयंकर हवा लगला जेहेतु आम जी दलबंध न करुचु ये ग्राम मान बुड़ी कर नष्ट पर रो आम गोर गाई भी भासी जापारती जेहेतु ग्राम को ये ग्राम को 10 फुट पा यार उचा अच्छे जदि ये बंधुटा भागे तेल 10 फुट पा सह ये ग्राम अवस्था के बंधर अवस्था बंधर अवस्था दुर्बल आसी पा आसी बंध उपर है जे आम संभावर नाहूँ से तो दलबंध कर लोक मैंने डकाडक घर पिला माइपी आसी आम ये बंध आरम्भ करूँ जेहेतु प्रशासन एपर्त बालीवस्था दुटा पकई जाए आसार देखा ना जे आम रात प्रशासनिक अधिकारी बना समय आसवा उपस्थित निहाती भाव में पदक्षेप नवर आवश्यक रही है कारण प्रत्येक जगह जो जगह घाई सृष्टि है जे स्थानीय लोक अभियोग आती कि प्रशासनिक अवहेलापी जदि ए जगार सेमती किसी परिस्थिति अच्छी भयंकर परिस्थिति हाँ ये परिस्थिति बहुत भयंकर बर्तमान आमर ये लुणा नदीटा हूँ सब नदी तल स्तर नदीटे यही बाटे निष्कासन कर चिलिका को वही तो तल ऊपर पा सब पड़गला वही तो पड़ जब ये नदी समस्या बहुत जटिल धरला मथा नहला बर्तमान पा के भी पा बुड़क चलने गहर मानक गाँ मानक चलने आम गाँव बाला समुद्र डकाडक कर दल फल पकापकी करूँ एटे प्रशासन देखा साक्षात ना एमती चली आम यही दुर्दशा रही चुनाव आपन तमाम प्रतिक्रिया शुणुंट स्थानीय अंचलवासी कांडगोदा पंचायत निखिला गोविंदपुर वासी प्रतिक्रिया आप तमाम नदी दृश्य आप देखुते मंदाकिनी पूरा नदी पानी एवं बंध पूरा समान हो पड़ी हुए तो आ किसी समय पर नदी पा जोबई भाव वृद्धि पाँच हुए तो आ किसी समय पर नदी पा सीधा सड़क करें ये आशंका एवं अनेक बना विपन्न अर्थात नदी कूयावासी जेहेतु निकट रू चलित बर्ष बना को गणमाध्यम अंचलवासी देखुं जदि ब्रह्मगिरी बना परिस्थित सृष्टि होना किंतु जेहेतु लुणा नदी पा एवं उछुच लुणा नदी पा एवं वृद्धि पाँच तेज मन आशंका अच्छी मन में भय अच्छी काले बना परिस्थित सृष्टि हे काले घाई खोली एथपाई अंचलवासी नदी कूया गांववासी मन में भय सृष्टि सेपटे कोणास ब्लक पा जदि ह्रास पाँच एवं पाखापाखि 30 रु ऊर्ध गाँ
ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏବେ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ଏବେ ବି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଟିକେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ଏବେ ବି ପ୍ରଶାସନିକ ବାବୁଙ୍କ ଟିକେ ପାଦ ପଡ଼ିବାକୁ ନାହିଁ। ସେପଟେ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ କଥା କହିବା, ମଣିଷଙ୍କ କଥା କହିବା, ସମସ୍ତେ ଏବେ ଦୁର୍ବିଷ ଭାବ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ନିମାପଡ଼ା ଗୋ ପରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି ମନ୍ଦାକି ନାହିଁ। ନିମାପଡ଼ା ଗୋ ପରେ କୌଣସି ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି। ଗାଁ ଭିତରେ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଛାତିଏ ଛାତିଏ ପାଣି ଲହର ବାଙ୍ଗୁଛି। ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା କଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି, ଇଆରି ଭିତରେ ଲୋକଟି କେମିତି ଜୀବନ ବିତାଇବ ତାକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପଟେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବାକୁ ଯାଉଛି, ପ୍ରଶାସନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଯଦି କୋଣାସର ଘାଇ କଥା ଦେଖିବା, ଗୋପର ଘାଇ କଥା ଦେଖିବା, ପିପିଲିର ଘାଇ କଥା ଦେଖିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ଥାନର ଲୋକେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଶାସନିକ ବାବୁଙ୍କ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଘାଇଟି ହେଲା, ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଯଦି ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଉପୁଜୁଛି, ତେବେ ଇଏ ଯେଉଁ ବନ୍ଧ ଉପରେ ଆମେ ରହିଛୁ, ଲୁଣା ନଦୀ ବନ୍ଧ ଉପରେ, ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଏ ଦୃଷ୍ଟି ନଦେବ, ତେବେ ହୁଏତ ଘାଇ ହୋଇପାରେ। ଇଏ ଆଶଙ୍କା ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପୁରା ତମାମ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛି। ଲୋକମାନେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦାକି, ନିନ୍ଦାଜନକ ଦୃଶ୍ୟ। ଲୋକମାନେ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ଦଳ କଲକତି ଦଳ ଭିଡ଼ି ଆଣି ନଦୀ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବନ୍ଧ କରି ପାଣି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ତମାମ ପାଖାପାଖି 10-15 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାର ଦୃଶ୍ୟ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଟିକେ ବୁଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ନଦୀ ପାଣି ମୌଜାକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଗଳିଆ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନିକ ବାବୁ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ, ବନ୍ୟା ସମୟରେ ତ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଅନ୍ତତଃ ଏହି ସମୟରେ ବିପଦ ସମୟରେ ଏହି ଇରିଗେସନ୍ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଆସିବା ଦରକାର। କାଳୁଚରଣ, ଯେମିତି ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଭିତରେ ଛାତିଏ ଛାତିଏ ପାଣି, ଏପଟେ ବନ୍ଧ ଏବଂ ନଦୀ ମଧ୍ୟ ସମାନ ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କର ସେଠାରେ ଦେଖାନାହିଁ। ଘଟଣା ଉପରେ ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ କାନୁଚରଣ।